शिरकत करते देखा। मैं जब निकला लाहौर से तो सारा रास्ता मैंने ख्वातीन को देखा, पर्दादार ख्वातीन को मार्च के साथ साथ चल रही हैं बच्चे लेके अपने, छतों के ऊपर मैंने रास्ते में देखा, छतों के ऊपर ख्वातीन खड़ी हैं दुआएं कर रही हैं। तो कभी ऐसे मैंने सीन अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में नहीं देखे। तो मैं इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूं कि सिर्फ एक जागी हुई कौम, एक बाशऊर कौम अपनी आजादी के लिए जदोजहद करती है। गुलाम कभी भी आजाद होने की कोशिश नहीं करते, गुलाम गुलाम ही रहते हैं। और लेकिन जब एक इंसान को समझ आ जाती है कि आजादी क्या है, तो तब फिर वो खड़ा होता है अपनी आजादी के लिए। तो हमारी ये जो तहरीक शुरू हुई 7 महीने पहले, सारे पाकिस्तान में हमने जलसे किए और फिर लोगों ने कुर्बानियां दी इस पे। 25 पे ये मैं कभी भूलूंगा नहीं, 25 पे में जो हमारे साथ जुल्म किया गया, यही जो फैशिस्ट, जो जराइम पेशा लोग जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए, जब हमें हटा के तो जो लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, ये पाकिस्तान को 30 साल से मुख्तलिफ किस्म के तौर तरीकों से ये जुर्म कर रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग, मुल्क का पैसा लूट के बाहर ले जाना, लोगों को मरवाना, मॉडल टाउन के अंदर दिन दिहाड़े पुरअमन एहतजाज करने वालों को कत्ल करना, गोलियां मारना पुलिस के जरिए, पुलिस मुकाबले में लोगों को मारना, ये शहबाज शरीफ के ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल या ह्यूमन राइट्स वॉच में 97 से 99 तक इसके ऊपर रिपोर्ट है, किसने कई 100 लोग पुलिस मुकाबले में मरवाए। वो जो आबिद बॉक्सर है उसने टीवी के ऊपर आके बताया, वो जो पुलिस वाला था कहता मेरे जरिए इसने लोगों को मरवाया। राणा सनाउल्लाह के ऊपर 18 कत्ल, आबिद शेर अली का बाप कहता है इसने कत्ल किए, सारा फैसलाबाद जानता है इसको, कब्जा ग्रुप हर जुर्म में ये शरीक है। इन्होंने मिलकर 25 मई को हमारे ऊपर जो किया, घरों में गए, कारकुनों के घरों में गए, उनकी औरतों को, उनकी औरतों के सामने यानी आदमियों को पकड़ पकड़ के लेके गए, बच्चों को लेके गए, थानों में रात को लेके गए, कोई हर इस मुल्क के जो हकूक, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए वारंट के बगैर घुसे लोगों के घरों में। और इन्होंने फिर जो औरतें बच्चे, यानी हमारी जो तहरीक इंसाफ के जलसे हैं, कभी पाकिस्तान में ऐसे जलसे नहीं हुए। हमारी जो प्रोटेस्ट है, जो एहतजाज है, उनके पर फैमिलीज आती हैं, औरतें बच्चे आते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, इंग्लिश मीडियम से, उर्दू मीडियम से, दीनी मदरस, सारे लोग शिरकत करते हैं। और उनके ऊपर इन्होंने शेलिंग की, जुल्म किया, 2 लोग शहीद हुए, कई जख्मी हुए, जेलों में लोगों को डाला, FIR की बारिश हो गई, 23 FIR मेरे ऊपर काटी, सारी सीनियर लीडरशिप के ऊपर। जब मेरे दौर में 3 लॉन्ग मार्चेस की गई, 2 फजल-उर-रहमान ने और 1 बिलावल ने, हमने तो कोई नहीं रोका, हमने कोई FIR नहीं काटी, हमने तो इनके सामने कंटेनर भी नहीं रखे। तो हमारे दौर के अंदर पूरी तरह जो आईन और कानून इनको इजाजत देता था, हमने वो किसी जगह इनको रोका नहीं। हमारे तो 25 मई को इन्होंने किया, उसके बाद एक खौफ की फजा बन गई, एक डर्टी हैरी आ गया इस्लामाबाद में, उसने और ज्यादा जुल्म शुरू किया, तशद्दुद किया, लोगों पे केसेस बनाए, सोशल मीडिया के लोगों को उठा उठा के जेलों में डाला, और जेलों में भी नहीं डाला, पकड़ उठाते थे, उनको मारते थे और फिर अगले दिन वापस घर दे देते थे धमकियां देके। जो खौफ की फिजा बनाई गई, जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ में मैं जेल में गया, वहां मैंने ऐसा नहीं जुल्म देखा उसके दौर में। जो इन्होंने जिस तरह हमारे ऊपर, जो स्टेट को पूरी तरह
उसका जो जुल्म हमारे ऊपर किया, हमें ऐसे लगा हम पाकिस्तानी नहीं है। मैं जो जिसको ये कौम 50 साल से जानती है वो पाकिस्तानी 50 साल से जानती है कौम। हर किस्म का पाकिस्तान का सिविल अवार्ड मुझे मिला हुआ है दुनिया में। मुझे जानते हैं कि पाकिस्तान को मैं रिप्रेजेंट करता था। मुझे इन्होंने इस तरह रखा जैसे कि मैं कोई बैरूनी मुल्क का गद्दार हूं। जो मेरे नौकरों को इन्होंने एजेंसीज ने आके पैसे दे के उनको अपनी तनख्वाह पे रखा, मेरे ऊपर कोई डिवाइस रखने के लिए आगे भी इनके प्लान बने हुए थे नुकसान पहुंचाने के लिए मुझे। उसके अलावा जो इन्होंने शहबाज गिल को जिस तरह एक कोई जुमला कह दिया पकड़ के, एक जुमला टीवी पे कहा, पहले तो टीवी बंद कर दिया ARY, उसके ऊपर उसका वो जो प्रोड्यूसर था उसको उठा के ले गए रात के 3 बजे। शहबाज गिल को नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया। एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, कोई आम आदमी नहीं, यानी चले कोई दहशतगर्द होता, चले मैं मान भी लूं कोई बैरून मुल्क गद्दार होता, कोई मुजरिम होता, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को इन्होंने नंगा करके मारा सिर्फ खौफ फैलाने के लिए। ये जो डर्टी हैरी आया, इसने सोचा कि ये जिस तरह ये पहले करता आया बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ, हमारे ऊपर वो शुरू कर दिया। फिर आजम स्वाति से क्या किया, 75 साल सेनेटर। ये हमारे मैं आप बता रहा हूं कि ये हमारी मुल्क की तारीख में कभी ऐसी चीजें नहीं हुई। उसको ट्वीट के ऊपर मारा, पहले घर में उसके पोता पोतियों के सामने, फिर जाके नंगा करके उसको एजेंसी के हवाले किया जिधर उसको उसके ऊपर तशद्दुद किया गया कि जो तुम्हारे से बोलेगा हम तुम्हारे ये मिसाल बनाएंगे। और पैगाम भेजे गए आजम स्वाति के ऊपर जब तशद्दुद हो रहा था तो उसे कहा कि ये इमरान खान से हम ये करेंगे, कि जिस तरह इमरान खान डर जाएगा और चुप करके बैठ जाएगा। और फिर मेरे ऊपर जो कातिलाना हमला किया गया, जो मुझे पहले से ही पता था कि तैयारी हो रही है, कि दीनी इंतहा पसंद ने जी इमरान खान को मार दिया, पहले किस एजेंसी ने वो वीडियो बनाई, इसलिए जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी पता चलेगा कि किस कौन सी एजेंसी ने ये वीडियो बनाई, किसके कहने पे बनाई, कौन सा वो ऑफिसर था उसके कहने पे पहले वो बनाई गई, उसके बाद वो एक इनका पालतू कोई वकार सेठी या कुछ है उसने, वो इनसे लिंक है। और मुझे पता था क्योंकि जब मैं वजीर आजम था मुझे पता था एजेंसीज के साथ कौन लिंक्ड है। उसने फिर जाके उसको उठाया, फिर ये दोनों मरियम दोनों ने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर PTV पे 4 दिन प्रोग्राम हुआ उसके ऊपर, सिर्फ बताने के लिए कि इमरान खान ने दीन की तौहीन की है। और तैयारी ये कर रहे थे कि अब इसकी आड़ में एक दीनी इंतहा पसंद इसे मार देगा। मैंने ये 24 सितंबर को भी पब्लिक को बताया और फिर 6 अक्टूबर 7 अक्टूबर को जलसों में बताया कि ये इनका प्लान बन रहा है। इस इंतहा पे कि कोई इस मुल्क के अंदर, जो मैं छोड़ें कि मैं इमरान खान हूं, कोई भी दुनिया का मुल्क हो उसके अगर एक मुल्क में जो सबसे बड़ी जमात है, जो एक फेडरल पार्टी है, क्योंकि पोलिटिकल